आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 की प्रथम अध्याय यानी हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य रहेगा पूरे चैप्टर को बारीकी से और विस्तार पूर्वक समझने का। इसमें कोई नोट्स आपको नहीं मिलेगी, इसमें पूरे अध्याय को हम बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के वस्तुओं से घिरे हुए हैं, जैसे कि ईंट, पत्थर, लकड़ी, कोयला, किताब, कॉपी, हवा, जल इत्यादि। ये सभी पदार्थ जो हैं, ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। आप देखेंगे इन सभी चीजों की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें एक विशेषता होती है कि ये सभी पदार्थ की कुछ ना कुछ द्रव्यमान होती है, साथ ही साथ ये सभी चीजें कुछ स्थान घेरती है यानी इसकी कुछ न कुछ आयतन होती है। ऐसे चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि पदार्थ वह चीज है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, इस प्रकार के चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 वर्गों में विभाजित किया। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ को 5 भागों में जो विभाजित किया गया, ये 5 भाग हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। परंतु आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को हम भौतिक गुण या फिर रासायनिक गुणों के आधार पर विभाजित करते हैं। इस चैप्टर में जब हम समझ लिए कि पदार्थ है क्या, यानी पदार्थ वह चीज है जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, अब हमें समझना है कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप के आधार पर हम पदार्थ के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहली बात तो यह है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ आप लें, चाहे वह पत्थर हो, ईंट, लकड़ी, कलम, कॉपी इत्यादि, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह पानी की एक बूंद हो या रेत का एक कण हो, ये कणों से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि दुनिया में जितने सारे पदार्थ हैं, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बने होते हैं। अब सवाल हमारे सामने यह है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। चूंकि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, अब हमें समझना है कि ये जो कण होते हैं, जिस कण से ये पदार्थ बने होते हैं, ये कण कितने छोटे होते हैं। इसको समझने के लिए आप कल्पना करें कि चीनी के एक दाने आप लें, या फिर रेत का एक कण, या फिर जल की एक बूंद लें। इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें करोड़ों, अरबों और खरबों की संख्या में कण होंगे। तो जब चीनी के एक दाने में करोड़ों, अरबों या फिर खरबों की संख्या में कण होगा, या फिर पानी के एक बूंद में खरबों की संख्या में कण होगा, तो आप समझ सकते हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। निसंदेह पदार्थ के ये कण अत्यंत छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। चूंकि जब हमने यह समझा कि पदार्थ के जो कण होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, अब हमें समझना है कि पदार्थ के कणों के क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के इन कणों की जो पहली विशेषता होती है वह ये होती है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक कांच की ग्लास है। अब इस कांच की ग्लास में हम कुछ कांच की गोलियां डाल लेते हैं, यानी पूरे ग्लास में हम कांच की गोलियों को भर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस ग्लास में हम पानी डालेंगे। तो जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ग्लास के अंदर गोलियों के मध्य जो खाली स्थान होता है, इन सभी खाली स्थान में जल भर जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि कांच की गोलियों के मध्य पर्याप्त खाली स्थान होता है और इन सभी खाली स्थानों में जल समा जाता है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति होती है पदार्थ के कणों के साथ। कोई भी पदार्थ जो होते हैं ये कणों से मिलकर ही बने होते हैं
और इन सभी कणों के मध्य पर्याप्त खाली स्थान होता है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि हम एक कप शुद्ध जल लिए, अब इस एक कप जल में हम एक चम्मच चीनी डाल देंगे। कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे कि इस जल में जो चीनी का एक चम्मच डाला गया, वह चीनी इस जल में पूर्ण रूप से घुल गया। अब यह चीनी गया कहां? जल के कणों के मध्य पर्याप्त खाली स्थान होता है। इन सभी खाली स्थान में चीनी घुलकर चीनी के कण इन सभी खाली स्थानों पर समा गए और अब हमें चीनी के कोई भी कण दिखाई नहीं देते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि संसार की हर पदार्थ के जो कण होते हैं, इन सभी कणों के मध्य पर्याप्त खाली स्थान होता है। ये कणों की पहली विशेषता है। अगली विशेषता यह है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। कोई भी पदार्थ आप लें, चाहे वह लोहा, लकड़ी, कोयला, पत्थर हो या फिर जल या फिर हवा हो, कोई भी पदार्थ के जो कण होते हैं, ये कण गति की अवस्था में रहते हैं, अर्थात ये कण स्थिर नहीं रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं? आप कल्पना करें कि आप किसी कमरे के एक कोने पर बैठे हुए हैं, अब उसी कमरे के दूसरे कोने पर आपका कोई फ्रेंड एक परफ्यूम की बोतल को खोलता है। जैसे ही आपका यह फ्रेंड दूसरे कोने में परफ्यूम की एक बोतल को खोलता है, बोतल के खुलने के कुछ ही सेकंड के पश्चात आप परफ्यूम के गंध को महसूस करेंगे। अब जरा कल्पना किए कि जो परफ्यूम का बोतल है, इसे तो दूसरे कोने में खोला गया, लेकिन आप दूसरे कोने में बैठने के बावजूद भी आप इसकी गंध को कैसे पहचाने? जैसे ही आपका दोस्त परफ्यूम की बोतल को खोला, उस बोतल में उपस्थित परफ्यूम आसपास की वायु में मिल गई और फिर ये धीरे 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 पूरे कमरे में मिल गई और आपके नाक तक पहुंचने के बाद फिर आप गंध का अनुभव किए। अब ये कैसे संभव हुआ? चूंकि पदार्थ जो होते हैं ये कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण अत्यंत छोटे होते हैं जो हमेशा निरंतर गतिशील की अवस्था में रहते हैं। जो इस रूम में हवा है वह उसके कण भी गति की अवस्था में होते हैं और इसी गति की अवस्था में रहने के कारण ही गंध एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा। इसी प्रकार पदार्थ के कणों की अगली जो विशेषता है, अगली जो गुण है, वह है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं ये एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं। अब यह आकर्षण का बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। अब आप कल्पना करें कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले एक चौक आप लें और एक लोहे की छड़ लें। जब ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक को आप प्रहार करेंगे तो आप देखेंगे कि चौक टूट जाता है, परंतु लोहे की छड़ को जब आप प्रहार करेंगे तो आप पाएंगे कि यह लोहे की छड़ नहीं टूटा। कारण क्या है कि लोहे के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण यह लोहे को तोड़ने में हमें कठिनाई होती है, परंतु चौक को हम हल्का सा बल लगाएंगे तो यह आसानी से टूट जाएगा। कारण यही है कि चौक के कणों के मध्य जो आपस में आकर्षण बल होता है वह कम होता है। इसी प्रकार संसार की हर वस्तु में पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है यह कम या ज्यादा होती है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह कण किस पदार्थ के हैं। तो इस प्रकार पदार्थ के कणों के कुछ गुणों के बारे में हमने चर्चा किया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। पदार्थ तीन अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम ठोस के उदाहरण की बात करें तो टेबल, कुर्सी, लकड़ी, पत्थर, ईंट इत्यादि ये सभी ठोस के उदाहरण हैं।
अगर हम द्रव की बात करें तो जल, तेल, शीतल पेय पदार्थ, ये सभी द्रव की अवस्था में रहते हैं। अगर हम गैसीय अवस्था की बात करें तो वायु, जिसमें हम श्वास लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने चारों ओर पदार्थों से घिरे हुए होते हैं और इनमें से कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ द्रव और कुछ गैसीय अवस्था में होते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कोई भी पदार्थ की जो अवस्था होती है यह बदला जा सकता है। इसको समझने के लिए आप उदाहरण लें एक पदार्थ का और वह है जल। जल जब ठोस की अवस्था में होता है तो उसे हम बर्फ के नाम से जानते हैं। जब इस बर्फ के टुकड़े को हम गर्म करते हैं तो यह पिघलकर जल बन जाता है और फिर जब जल को हम गर्म करते हैं तो यह भाप बन जाता है, यानी गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि पदार्थ जो होते हैं ये अपनी अवस्था को बदल सकता है। अब पदार्थ जो होते हैं ये अपनी अवस्था को बदल सकता है, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो। लोहे भी तीन अवस्था में हो सकती हैं। सामान्य रूप से हम लोहे को ठोस अवस्था में देखते हैं, लेकिन अगर लोहे को अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाए तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। फिर इससे और अधिक तापमान पर अगर हम गर्म करेंगे तो ये गैसीय अवस्था में पहुंच जाएगी। यानी हर पदार्थ ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में आ सकता है। अब जरा हम समझने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ जो अपनी अवस्था को बदलती है ये कब और क्यों और कैसे बदलती है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में दो चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला है तापमान और दूसरा है दाब। हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले तापमान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तापमान एक ऐसा गुण है जिसमें हमें यह पता चलता है कि वस्तु कितनी ताप पर होती है। जैसे कोई भी भौतिक राशि को जब हम नापते हैं तो उसके लिए एक मात्रक होती है। अगर आप लंबाई को नापेंगे तो उसे मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में नापेंगे। इसी प्रकार अगर किसी वस्तु की द्रव्यमान को आप नापेंगे तो उससे या तो ग्राम में, किलोग्राम में या फिर क्विंटल में नापेंगे। ठीक इसी प्रकार किसी वस्तु के तापमान को नापने की भी कई सारे इकाई हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन इत्यादि। इन सभी मात्रकों में से हमें जानना है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव पदार्थ की अवस्था पर कैसे पड़ता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि अगर हम बर्फ के एक टुकड़े लें और इस बर्फ के तापमान हम कल्पना करते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस है। जब इस बर्फ के टुकड़े को हम गर्म करेंगे तो इसकी तापमान बढ़ेगी, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आएगी। इस प्रकार जैसे जैसे इसकी तापमान बढ़ती जाएगी और जैसे ही इस बर्फ के टुकड़े का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, यह बर्फ का टुकड़ा क्या करेगा, गलना प्रारंभ करेगा, क्योंकि 0 डिग्री तापमान पर ही बर्फ पिघलना शुरू करता है। तो तापमान जो होते हैं ये अपना प्रभाव डालता है वस्तु की अवस्था पर। अब यहां पर एक टर्म है हमारे लिए, वह है गलनांक। कोई भी ठोस जिस तापमान पर गलता है उस तापमान को उस ठोस पदार्थ के लिए गलनांक कहा जाता है। जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बर्फ का, जैसे ही बर्फ को हम गर्म करके इसकी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाते हैं यह पिघलने लगता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार आप कोई भी ठोस पदार्थ ले लें, लोहा, तांबा, जस्ता इत्यादि, इन सभी पदार्थों को भी जब हम गर्म करेंगे तो जैसे जैसे इसकी तापमान बढ़ती जाएगी एक अवस्था ऐसी आएगी, यानी एक तापमान ऐसी आएगी जिस तापमान पर यह ठोस पदार्थ पिघलना शुरू करेगा।
और इस तापमान को उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। कोई भी ठोस पदार्थ जिस तापमान पर गलना प्रारंभ करता है उस तापमान को उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। गलने की प्रक्रिया को संगलन भी कहा जाता है। कोई भी ठोस पदार्थ जब गलता है तो गलने की जो इस प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हमें कल्पना करने की जरूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है कि कोई भी ठोस पदार्थ जब तक वह गलता है तब तक उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? अब इसको हम समझने के लिए हम एक बर्फ के टुकड़े की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है और इस बर्फ के टुकड़े का तापमान अभी मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस है। जब इस बर्फ के टुकड़े को हम ऊष्मा प्रदान करेंगे यानी इसकी तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये ऊष्मा अवशोषित करके इसकी तापमान में वृद्धि होगी यानी -10 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री, -4 डिग्री, -3 डिग्री, इस प्रकार ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंच जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी वस्तु को जब ऊष्मा दिया जाता है तो इसकी तापमान में वृद्धि होती है यानी इसके तापमान में परिवर्तन होता है, जैसा कि हमने बर्फ के टुकड़े के केस में कल्पना किया। जैसे ही ये बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंचता है यह क्या करता है? यह गलना प्रारंभ करता है और जब तक यह बर्फ का टुकड़ा पूरा का पूरा नहीं गल जाता है तब तक इसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है, यानी यह बर्फ का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही रहता है जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल कर द्रव न बन जाए। भले ही इस बर्फ के टुकड़े को हम लगातार ऊष्मा देते रहेंगे लेकिन यह ऊष्मा क्या करेगा? इस ऊष्मा का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहेगा कि ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित करो। लेकिन जब तक पूरा का पूरा ठोस पदार्थ द्रव नहीं बन जाता है तब तक इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं उठेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ जब उसके गलनांक की पॉइंट पर होती है यानी एक ऐसा तापमान जिस तापमान पर यह पदार्थ गलना प्रारंभ करता है उस अवस्था में उस ठोस पदार्थ को आप जितनी भी ऊष्मा दें उसकी तापमान को जितनी ही आप बढ़ाने का प्रयास करें जब तक यह पूरा का पूरा नहीं गल जाएगा तब तक इसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो ऊष्मा होती है इस प्रकार की ऊष्मा का सिर्फ एक ही काम होता है कि ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलो। लेकिन आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि किसी भी वस्तु को जब हम ऊष्मा देते हैं उसकी तापमान में वृद्धि होती है लेकिन इस अवस्था में ऐसी नहीं होती है, यानी जो ऊष्मा हम बाहर से दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं गुप्त रूप से कार्य करता है और यह कार्य क्या करता है? यह उसकी तापमान को नहीं बढ़ाती बल्कि इसकी अवस्था को परिवर्तन करती है। तो इस प्रकार के ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। क्लियर है? गुप्त ऊष्मा कब है? जब कोई वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तन करती है तो उस समय जो ऊष्मा दी जाती है उस ऊष्मा उस वस्तु के ताप को न बढ़ाकर उसकी अवस्था को परिवर्तन करती है और इसी ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं और कल्पना करते हैं कि हमारे पास कुछ मात्रा में जल है। जब इस जल को हम गर्म करेंगे तो इसके तापमान में वृद्धि होगी और एक समय ऐसा आएगा यानी एक तापमान ऐसा आएगा जब वह जल खौलने लगेगा यानी उबलने लगेगा। ठीक इसी प्रकार कोई भी आप एक द्रव लें चाहे वह जल हो या फिर कोई भी द्रव, जब इसको आप गर्म करेंगे तो ये एक विशेष तापमान पर आकर ये उबलने लगेगा। अगर हम पानी की उदाहरण लें तो पानी का तापमान जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है यह पानी क्या करता है? यह उबलने लगता है
और इसी तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक किसी द्रव का ऐसा तापमान होता है जिस तापमान पर वह द्रव उबलने लगता है, इसी तापमान को क्वथनांक कहा जाता है। यानी क्वथनांक एक ऐसा तापमान होता है जिस तापमान पर कोई द्रव अवस्था का पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार हमने गलनांक भी समझा और क्वथनांक भी समझा। जिस प्रकार गलने की अवस्था में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक इसी प्रकार क्वथनांक की अवस्था में भी यानी वाष्प बनने की अवस्था में भी गुप्त ऊष्मा होती है। इससे हम समझने के लिए हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास कुछ मात्रा में जल है। जब इसकी तापमान को हम बढ़ाएंगे यानी इसकी ऊष्मा को हम देंगे, इससे ऊष्मा जैसे ही हम देंगे इसकी तापमान बढ़ेगी और तापमान बढ़ते 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 जब इसकी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगी तो फिर इसकी तापमान का बढ़ना रुक जाएगी। यानी इसको हम जितनी भी ऊष्मा दें इसकी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ेगी। कब तक नहीं बढ़ेगी? जब तक पूरा का पूरा द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाती है। तो इस अवस्था में भी गुप्त ऊष्मा होती है। यानी गुप्त ऊष्मा एक ऐसी ऊष्मा जो द्रव को गैस में परिवर्तित करती है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस अवशोषित ऊष्मा के द्वारा पदार्थ का तापमान में परिवर्तन हुए बिना इसकी अवस्था में परिवर्तन होती है। इस प्रकार के ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा को समझने के पश्चात अब हम एक अलग टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन क्या है और निक्षेपण क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। हम सामान्य रूप से क्या देखते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ठोस द्रव में परिवर्तित होती है उसके बाद गैस में परिवर्तित होती है। परंतु दुनिया में कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिसके ठोस रूप को अगर गर्म किया जाए तो क्या होता है, ये द्रव में न परिवर्तित होकर सीधे गैस बन जाती हैं। इस प्रकार के पदार्थों में से कुछ पदार्थ हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते हैं। इस प्रकार के पदार्थ में पहला उदाहरण है कपूर। कपूर एक ऐसा पदार्थ है जिसके ठोस रूप को अगर आप गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं, यानी द्रव में न परिवर्तित होकर ये सीधे गैस बन जाएगा। इसी प्रकार एक अगला पदार्थ है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अगर अमोनियम क्लोराइड के ठोस रूप को आप लें और इससे गर्म करें तो आप पाएंगे कि ये ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं होता है बल्कि ये सीधे गैस बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो परिघटना है जिसमें कोई ठोस को गर्म करने पर वह ठोस से सीधे गैस बन जाती है, इस प्रकार की परिघटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन का उल्टा प्रक्रिया जो होता है उससे निक्षेपण कहा जाता है। जैसे कि हम क्या देखते हैं कि जब किसी गैसीय अवस्था को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव बनता है और द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस बनता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके गैसीय अवस्था को अगर आप ठंडा करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तित नहीं होगा बल्कि सीधे ठोस बन जाएगा। तो इस प्रकार की परिघटना को निक्षेपण कहा जाता है। यानी ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण दो विपरीत प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि कपूर और अमोनियम क्लोराइड, ये सभी पदार्थों के अगर आप गैसीय रूप को लें यानी इसके भाप को लें और इससे ठंडा करें तो ये द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि तापमान के कई सारे यूनिट हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन इत्यादि।
इन सभी में से केल्विन को तापमान का एसआई मात्रक कहा गया है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब एक प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि तापमान का मान दिया हुआ रहेगा डिग्री सेल्सियस में और कहा जाएगा कि इसे केल्विन में परिवर्तित करें। जैसे मान लीजिए तापमान का मान दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस और कहा जाएगा कि इसका मान केल्विन स्केल में क्या होगा। जब भी कोई तापमान का मान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहे और इससे हमें केल्विन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे 273। यानी 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है प्रश्न में, तो 27 में हम 273 जोड़ेंगे यानी इसका मान होगा 300 केल्विन। इसी प्रकार परीक्षा में प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, तापमान का मान दिया हुआ रहेगा केल्विन में और कहा जाएगा कि इसका मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। मान लेते हैं परीक्षा में पूछा गया कि किसी वस्तु का तापमान दिया गया है 300 केल्विन, तो इसका मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो जब भी तापमान का मान केल्विन में दिया हुआ रहे और इसे डिग्री सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे 273। यानी 300 में हम माइनस करेंगे 273, बराबर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होती है, इसमें तापमान का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तापमान के साथ साथ दाब का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में। दाब परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है अवस्था परिवर्तन में। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं शुष्क बर्फ, यानी इसे इंग्लिश में ड्राई आइस कहा जाता है, जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हम अपने श्वसन की क्रिया में उससे रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य रूप से गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में भी होता है और इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है और इसे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कोई भी गैस आप ले, उस गैस को आप दबाएं सिलेंडर के द्वारा, पिस्टन के द्वारा, अत्यधिक दबाव से अत्यधिक बल लगाकर जब आप इससे दबाएंगे तो क्या होगा कि इसकी जो कण होती हैं, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कशन किया कि पदार्थ का जो कण होता है ये बहुत ही छोटा होता है और ये कणों से मिलकर ही पदार्थ बनता है। तो ये सारे कण को जब इस पदार्थ को, इस गैस को हम दबाएंगे तो इसके कण एक दूसरे के करीब आएगा और धीरे धीरे दबाव हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे पिस्टन की मदद से, तो ये गैसीय अवस्था से द्रवावस्था में आएगा और द्रवावस्था को और अगर हम दबाएंगे पिस्टन के द्वारा तो ये ठोस भी बन सकता है। तो यानी दाब का विशेष महत्व है अवस्था परिवर्तन के साथ। जिस प्रकार तापमान में हम परिवर्तन करके हम अवस्था परिवर्तन करते हैं, इसी प्रकार किसी वस्तु के दाब में हम परिवर्तन करके उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब अत्यधिक दबाव में उसको दबाया जाता है तो ये द्रव में बनता है, द्रव में न बनकर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप अत्यधिक दबाव में दबाएंगे तो ये द्रव में नहीं बनेगा बल्कि ये ठोस बन जाएगा। तो इस प्रकार के ठोस रूप को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दबाव में दबाया जाता है। तो इस प्रकार की ठोस अवस्था जो हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इससे ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इससे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। कारण क्या है कि ये देखने में बर्फ के टुकड़े की तरह होती है। जब इसे हम वायुमंडलीय दाब पर रखते हैं यानी इस पर जो एक्स्ट्रा दबाव होता है, जो अत्यधिक दबाव होता है
उतना दबाव न देकर इससे सामान्य वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होती है, यानी यह गलता नहीं है, ठोस रूप से सीधे वाष्प में परिवर्तित होती है। चूंकि ये गलता नहीं है इसीलिए इसकी भींगने की संभावना नहीं है, चूंकि ये गलेगा तो भींगेगा, तो गलता नहीं है इसीलिए इससे हम सूखा बर्फ यानी शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो हम क्या देखें कि तापमान और दाब दोनों का प्रभाव पड़ता है अवस्था परिवर्तन में। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो शब्द है इसी शब्द से हमें पता चलता है कि एक ऐसी परिघटना है जिसमें द्रव वाष्प में परिवर्तित होती है। अब सवाल यह है कि जब भी कोई द्रव को हम गर्म करते हैं, उदाहरण हम ले लेते हैं जल को, जल को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इसकी तापमान बढ़ने लगती है। जैसे ही इस जल की तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचती है यह उबलने लगती है और उबलकर यह द्रव अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था यानी भाप में परिवर्तित होने लगती है। अब सवाल यह है कि क्या 100 डिग्री सेल्सियस के से कम तापमान पर भी जल वाष्प बन सकता है, यानी कोई भी द्रव उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर क्या यह वाष्प बना सकता है? इसका जवाब होगा हाँ, जल भी वाष्प बनता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी। अगर इसकी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये तो उबलने लगता है पर वाष्प बनता है, लेकिन 100 डिग्री से कम तापमान पर भी ये धीरे धीरे वाष्प बनता है। अब ये कैसे, जैसे मान लीजिए एक तस्तरी में आप 2 चम्मच जल ले लें और इस तस्तरी को आप 1 दिन 2 दिन के लिए खुली छोड़ दें, तो आप 1 दिन या 2 दिन के बाद आप क्या देखेंगे कि तस्तरी में जो आप 2-4 चम्मच जल लिए थे वो जल गायब हो गया। चूंकि इस तस्तरी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तो है नहीं क्योंकि ये कमरे पर रखा गया है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे रहने की अवस्था में भी यह द्रव अवस्था वाष्प बनकर उड़ गई। कहने का मतलब यह हुआ कि जल इसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर भी वाष्प बनता है और यह परिघटना सिर्फ जल के साथ ही नहीं बल्कि हर प्रकार के द्रव के साथ होता है। कोई भी द्रव इसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर भी वातावरण में हमेशा धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ते रहती है। तो इस प्रकार की परिघटना जिसमें क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प बनता है इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। आप कुछ मात्रा में जल का उदाहरण लेकर ही हम समझते हैं क्योंकि जल के उदाहरण को लेकर समझने में हमें सुविधा होती है, क्योंकि जल हम अपने दैनिक जीवन में इसका भरपूर उपयोग करते हैं, दूसरे द्रव का उपयोग कुछ कम करते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को समझने के लिए जल का ही उदाहरण लेते हैं। आप मान लेते हैं कि कुछ मात्रा में आप जल ले लें तो इसमें वाष्पीकरण हमेशा होती रहेगी, तो ये वाष्पीकरण कब अधिक होगी कब कम होगी ये हमें जानना है। अगर इसकी सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण तेजी से होगी, अगर सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगी यानी धीरे धीरे होगी। अगर आप 1 कप जल लें और उस जल को अगर कप में आप रखें तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगी, लेकिन उसी जल को आप एक तस्तरी में डाल दें तो उसमें वाष्पीकरण अधिक होगी, क्योंकि जब उस 1 कप जल को आप तस्तरी में डालेंगे तो जल का जो बाहरी सतह होगा उसका सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, लेकिन जब उसे आप कप में रखेंगे तो जल के बाहरी सतह का क्षेत्रफल कम होगा। तो जब जल के या कोई द्रव के बाहरी सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो वाष्पीकरण अधिक तेजी से होने लगती है, यानी वाष्पीकरण का दर अधिक होता है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। दूसरा कारक है तापमान।
जैसे मान लेते हैं आप एक कप जल ले लें, अगर इस रूम का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, लेकिन इसी रूम का तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो, 35 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस कप से जो वाष्पीकरण होगा वह अधिक होगा। यानी कोई भी द्रव का जो वाष्पीकरण दर होता है वह आसपास के तापमान पर निर्भर करता है। यानी तापमान अधिक तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, तापमान कम तो वाष्पीकरण कम होगा। इसी प्रकार वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है आर्द्रता। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में भींगी हुई कपड़े देर से सूखती हैं, लेकिन जाड़े के दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में भींगी हुई कपड़े बहुत जल्दी सूख जाती हैं। आप इसको ऐसे समझ लें कि एक कपड़ा को आप पूर्ण रूप से भिगाएं और उससे बरसात के दिनों में रूम के अंदर उसको पसारे, धूप में नहीं, रूम के अंदर उसको पसारे, तब देखेंगे कि बरसात के दिनों में उस भींगी हुई कपड़े को सूखने में घंटों समय लगता है, लेकिन वही भींगी हुई कपड़े रूम के अंदर में जाड़े के दिन में या फिर गर्मी के दिन में आसानी से सूख जाती है, बहुत ही कम समय में सूखती है। इसका कारण क्या है कि बरसात के दिन में वातावरण में, वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है, इसीलिए वाष्पीकरण की दर कम होती है। लेकिन जाड़े के दिनों में या फिर गर्मियों के दिनों में वातावरण में आर्द्रता यानी पानी की मात्रा कम होती है, इसीलिए वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आसपास के वातावरण में अगर नमी की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण का दर कम होगा, और नमी की मात्रा अगर कम होगी तो वाष्पीकरण तेजी से होगी। इसी प्रकार वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाला अगला कारक है वायु की गति। मान लेते हैं एक तस्तरी में आप कुछ मात्रा में जल ले लें और इस तस्तरी को आप खुली छोड़ दें, तो इस जल का पूर्ण रूप से वाष्पीकरण होने में कुछ समय लगेगा, मान लीजिए एक दिन लगेगा या कुछ घंटे लगेगा। लेकिन इसी तस्तरी में समान मात्रा में आप जल लेकर इसके ऊपर वायु का प्रवाह करें, यानी इसमें हवा चलनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो जल है ये बहुत ही कम समय में वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि वाष्पीकरण का दर हवा के वेग पर यानी हवा के गति पर निर्भर करता है। अगर हवा तेज चलेगी तो वाष्पीकरण तेजी से होगी, हवा अगर धीरे धीरे चलेगी तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगी, और हवा अगर बिल्कुल नहीं चलेगी तो वाष्पीकरण का दर और भी कम हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि कई सारे कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। इसका क्या मतलब, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। आपने देखा होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर एक लिक्विड होता है, यानी ऐसा द्रव होता है जो नाखून की पॉलिश को हटाने के काम में लाया जाता है। इस प्रकार के लिक्विड को नेल पॉलिश रिमूवर कहा जाता है। तो ऐसे लिक्विड अगर हमारी त्वचा पर गिर जाए तब कैसा अनुभव करते हैं, ठंडक अनुभव करते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि यह लिक्विड हमें काफी ठंडा लग रहा है, तो यह एक प्रकार का एसीटोन है। तो एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमें ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है कि इस प्रकार के लिक्विड जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो ये त्वचा के आमने सामने का वातावरण या फिर त्वचा की जो उष्मा होती है उसको अवशोषित करती है और ये वाष्प बनकर वातावरण में उड़ जाती है। तो जब भी किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो ये आमने सामने की उष्मा को अवशोषित करके वाष्प बन जाती है। तो जब ये हमारी त्वचा से उष्मा को अवशोषित करके वाष्प बन जाती है तो उष्मा की कमी होने के कारण हमें ठंडा अनुभव होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि गर्मियों के दिनों में जब हमारी घर की छत काफी गर्म हो जाती है तो छत को ठंडा करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छत पर पानी छिड़कते हैं।
जैसे ही छत पर पानी छिड़कते हैं उसके कुछ ही मिनटों के पश्चात छत ठंडा हो जाती है। कारण क्या है कि जैसे ही गर्म छत पर पानी छिड़का जाता है तो यह पानी छत की ऊष्मा को अवशोषित करती है और ये वाष्प बनकर उड़ जाती है। तो जब यह ऊष्मा को अवशोषित किया और वाष्प बनकर उड़ा तो छत की सतह पर ऊष्मा में कमी आई और ऊष्मा में कमी आने के कारण छत कुछ ठंडा हुई। इस प्रकार लोग राहत महसूस करते हैं पानी छिड़क कर। अब हम जानेंगे कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों के दिनों में हमें पॉलिस्टर के कपड़े आरामदेह नहीं लगता है। गर्मियों के दिनों में हम सूती कपड़ा पहनना अधिक पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में हमारा शरीर क्या करता है, हमें ठंडा रखने के लिए पसीना बहाता है। हमारा शरीर का बनावट ही ऐसा है कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर से लगातार पसीना आते रहता है। अब ये पसीना का क्या कार्य है? पसीना एक तरह का द्रव है और यह द्रव हमारे शरीर से ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्प बनती है और बाहर उड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक प्रकार के ऊष्मा की कमी होती है और हमें ठंडा महसूस कराती है। यानी पसीना एक ऐसी परिघटना है जिसके कारण हमारे बॉडी का तापमान नियंत्रित होती है, बॉडी का तापमान अत्यधिक होने से रोकती है। अगर हम सूती कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है कि जो पसीना हमारे शरीर से निकलती है ये पसीना वाष्प बनकर उड़ने लगती है और ये सूती वस्त्र आसानी से उसको अवशोषित करके बाहर कर देती है। लेकिन वही सूती कपड़े के स्थान पर पॉलिस्टर या फिर दूसरे नायलन जैसे कुछ कपड़े का इस्तेमाल अगर हम करें तो पसीना आने और फिर पसीना का वाष्प बनकर वातावरण में जाने की जो प्रक्रिया है इसमें एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए ऐसी बाधा उत्पन्न न हो और हमें आराम महसूस हो इसीलिए गर्मियों के दिनों में हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अगला हम एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे और वह है बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। आपने एक चीज अनुभव किया होगा कि आप क्या करेंगे कि एक ग्लास में आप बर्फ जल लेंगे, यानी पूरे ग्लास में आप बर्फ के टुकड़े डालेंगे और उसमें कुछ मात्रा में जल लेंगे। तो इस ग्लास में जो हम बर्फ के टुकड़े और जल डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक तरह का ठंडापन होगा। तो जब हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही टेबल पर रख देंगे तो हम कुछ मिनट के पश्चात या कुछ सेकंड के पश्चात हम क्या देखेंगे कि ग्लास की जो बाहरी सतह है उसमें जल की बूंदे हमें दिखाई देने लगती है। अब सवाल यह है कि ग्लास में कोई छेद तो है नहीं, लेकिन जल की बूंदे ग्लास के बाहरी सतह पर कहां से आई? तो ये जो आई, जैसे ही ग्लास में हम बर्फ जल लेंगे तो बर्फ ग्लास के अंदर काफी ठंडा होगा क्योंकि उसमें बर्फ है और इस ठंडापन के कारण ग्लास की जो बाहरी दीवार होगी ये काफी ठंडी हो जाएगी। और हम जानते हैं कि वातावरण में आर्द्रता होती है यानी नमी होती है और यह नमी वाष्प के रूप में होती है। तो जब ग्लास की दीवार काफी ठंडी होती है तो वातावरण की वाष्प इससे आकर ठंडी हो जाती है और यह जल वाष्प ठंडी होने के पश्चात यह गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में यानी जल की बूंदों के रूप में ग्लास के बाहर चिपक जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बर्फीले ग्लास की बाहरी सतह पर हमें कुछ सेकंड के पश्चात जल की बूंदे दिखाई देती है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने 9th क्लास साइंस के पहले चैप्टर यानी हमारे आसपास के पदार्थ को विस्तार से समझाने से का प्रयास किया है। अब मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो से आप कुछ सीखें और इस वीडियो की अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए हम एक अलग वीडियो बनाए हैं जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वह क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज का हो या फिर चैप्टर के अंदर हो, दोनों तरह के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है
उसके लिए भी हमारे चैनल पर दो अलग अलग वीडियो हैं। एक वीडियो है जो चैप्टर के अंदर बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन है, उसके लिए अलग वीडियो है। और एक अलग वीडियो है जो इस चैप्टर के अंदर जो अभ्यास दिए गए हैं, अभ्यास के अंदर सारे प्रश्नों का सोल्यूशन दिया गया है, उसके लिए एक अलग वीडियो है। तो इस प्रकार 3-4 वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाला गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये सभी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इन सभी वीडियोस का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप डाल देंगे, आप सारे वीडियो को देख लेंगे, पूरी चैप्टर आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। इस चैप्टर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आपकी समझ में ना आएगी। इस प्रकार इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू।